वो चंदन का पेड़ जो था था। एकदम से रानी पिंगला नौकर से बोली, ओरे कमीन, अगर मेरे पति मारे गए होते तो ये चंदन का पेड़ सूख गया होता, ये तो हरा भरा झूल रहा है। महारानी जी, हाँ, तुम्हारे पति मारे गए, तू बताएगा नहीं? अरे ये पेड़ है, ये जड़ है, ये क्या जाने कौन मर गया कौन जिंदा। जब तक आप इसे पानी पिलाती रहोगी तब तक ये जिंदा बना रहेगा, हरा भरा बना रहेगा, लेकिन तुम्हारे पति मारे गए, दुनिया में नहीं है। तू बताएगा नहीं? बिल्कुल बताए रे, सही मत बता। आने दे मेरे पति। हाँ वही, तब तो वही, जब मेरे पति आ जाएंगे ना, हाँ, मैं तुझे जान से मरवा दूंगी। हम उनको और तुझे नहीं, हाँ, तेरे पूरे खानदान को। या भाई छोटे भाई लले मती मरवाई, मैं सबको जान से मरवा दूंगी। आने दे, आने दे, महारानी जी, हाँ, हमें मरवा दियो तुम, आने तो हमें मरवा दियो, तो मरवा दियो, लेकिन तुम्हारे पति इस दुनिया में है ना, है बिल्कुल ठीक कहते हैं, गलत नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं। नौकर ने हर बार कोई बात कही कि तुम्हारे पति मारे गए, तो पिंगला के भी दिमाग में झटका लगा है। हो सकता है कि मेरे पति मारे गए हो, पुरुषोत्तम जी की आज गर्मी हमें सौ को नोट बैठ।